हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सभी रिव्यूज आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आएगा आज का तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे है। जी हाँ, गर्ल्स की विजाइना के ऊपर। विजाइना में आपकी डार्कनेस क्यों आ जाती है, इन्फेक्शन क्यों फैलता है, वाइट पानी डिस्चार्ज क्यों होता है, एंड वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वो किसकी वजह से होता है, ये सभी प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। बिना वेस्ट के टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि मैंने सभी चीजों के रीजन बताए हैं एंड उसके अलावा आपको इन सभी चीजों के सॉल्यूशन भी दिए हैं कि किस चीज से आप किस तरह से छुटकारा पा सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात करने वाले हैं कि आपकी वजाइना डार्क क्यों हो जाती है, क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, इतने ज़्यादा डलनेस आ जाती है। तो गाइस, अक्सर हमने देखा है कि आपके फेस का पार्ट बहुत ज़्यादा गोरा होगा, आपके नेक बहुत ज़्यादा गोरा होता है, आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि आप इन सभी चीज़ों की केयर करते हैं, इसकी वजह से वो सभी पार्ट जो है फेयर दिखते हैं, बट आप कुछ टाइम के बाद अपने जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनका जो है ख्याल रखना छोड़ देते हैं। कुछ पैक वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स का मानना यह होता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स हैं और वो ऑब्वियसली ढक जाएंगे तो उसको किसी को दिखना नहीं है, तो उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तो ऐसा नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई इशू हो जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, पहली बात तो मैं ये बताऊं, क्योंकि मैंने भी काफी बार ऐसा सोचा था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे काफी बार इन्फेक्शन भी हुआ। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब बात ही कर रहे हैं कि डार्कनेस क्यों आ जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, जब भी टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने की वजह से वो है परत के ऊपर परत जमती चली जाती है, जिसकी वजह से आपके जो एरियाज होते हैं वो डार्क होने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके फेस पे आप एक हफ्ते तक भी अगर अपने फेस की केयर ना करें, यानी स्क्रब ना करें, ब्लीच ना करें, पैक ना लगाए किसी तरह का, तो उस पर जो है स्किन डार्क होने लग जाती है। तो यही रीज़न होता है जो प्राइवेट पार्ट्स आपके डार्क होने लग जाते हैं। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए? कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट्स हैं और इन पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से आपको रिएक्ट होगा अगर आपके स्किन पे, तो आपको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्राइवेट पार्ट कुछ इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो मैं जो बता रही हूँ बस आपको ये सिंपल पैक लगाना है, हफ्ते में डेली आप लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा सीरम भी बहुत ही अच्छे अवेलेबल हैं, बट मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कोई ऐसा वैसा सीरम ना लगाएं, कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट ना लगाएं, क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बुझाए में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हल्दी लेना है। हल्दी स्किन को फेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, आपको ही पता है। उसके अलावा आपको लेना है नींबू। नींबू के साथ ही आपको यहाँ पर कर्ड मिक्स करना है, यानी कि दही मिक्स करना है। इन सभी पेस्ट को आपस में मिला करके आप नहाने से पहले, यानी जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, बाथ लेने से पहले 10 मिनट, बस आपको 10 मिनट लगा के वहां पर छोड़ देना है जो भी आपकी डार्कनेस एरिया है, यानी कि जब उसे आप उतारेंगे तो आपको सर्कुलर मोशन पे क्लीन करते हुए इसे जो है हटाना है। बहुत ही अच्छा और बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाएगी, सारी ही एक घर की अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था सॉल्यूशन आपके डार्कनेस एरिया को क्लीन करने का। अब बात करते हैं गाइस कि इन्फेक्शन क्यों होता है, इन्फेक्शन के क्या रीज़न होते हैं। काफ़ी टाइम आप टाइम नहीं मिलता तो आप ट्रिम करना भूल जाते हैं, हेयर्स को ट्रिम करना या फिर रिमूव करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप काफ़ी बार वॉशरूम जाते हैं, दिन में 1 से 2 बार आप वॉशरूम जाते हैं, तो आप जब भी यूरिन पास करते हैं तो उसके उस सम टाइम उसमें क्या होता है कि आपका यूरिन जो आपके हेयर्स में जो है फंसने लग जाता है, जिसकी वजह से जब आप अपनी पैंटी को वापस से पहनते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि जब आप हेयर्स को ट्रिम नहीं करते तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये इशू। आपको छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट्स की। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ गाइस, आप चाहे तो वैक्स करवा सकते हैं, काफ़ी गर्ल्स को वैक्स में कंफर्टेबल नहीं फील होता है, तो बट अगर आप वैक्स भी नहीं करा सकते या फिर शेव भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसे ट्रिम जरूर कीजिए। हफ्ते में एक बार आपको अपने हेयर्स को ज़रूर ट्रिम करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप ब्रा पहन रहे हैं, पैंटी पहन रहे हैं, उसे क्लीन करके पहनना है आपको, यानी कि आपको, और आपको जब भी आप उसे वॉश करें तो उसे आपको अपने कमरे में नहीं सुखाना है, उसे आपको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सभी ओवरऑल खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से
दिन में कम से कम आपको दो बार तो पैंटीज जरूर बदलनी चाहिए, आपके जो अंडरगार्मेंट्स होते हैं उन्हें जरूर बदलने चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक इन्फेक्शन है जो कि एक बॉडी यानी कि सभी गर्ल्स में बहुत ही सिमिलरली पाया जाता है, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो। उसके अलावा आपने ये चीज़ तो सॉल्यूशन आपको पता चल गया कि इन्फेक्शन क्यों होता है और आपको इस चीज़ का कैसे ध्यान रखना चाहिए। दिन में दो बार आपको पैंटी चेंज करनी है, उसके बाद आप जब भी वॉशरूम के बाद आप उठते हैं यानी कि जब भी आप यूरिन पास करने के बाद उठते हैं तो उस जगह को आपको वॉश करना है क्लियरली, और आपको सोप नहीं यूज़ करना है, आपको वाटर से अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप एक कॉटन के साफ कपड़े से उस जगह को क्लीन कर लीजिए। चलिए बात कर ही रहे हैं गाइस कि आपके स्मेल क्यों आ जाती है और स्मेल को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। गाइस आपको कोई ऐसा वैसा परफ्यूम नहीं लगाना है, ना ही आपको कोई ऐसा उल्टा सीधा ऑयल लगाना है। काफ़ी समटाइम गर्ल्स क्या करती है, ऑयल यूज़ करती है। मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में भी पूछा था तो उन्होंने काफ़ी बार ये जवाब दिया कि हम ऑयल वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑयल्स में भी काफ़ी सारे आपको केमिकल्स मिलते हैं, तो ऑयल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगा, बेसिकली बात ऐसी है कि आपको थोड़े ढीले कपड़े भी ज़रूर पहनने चाहिए। टाइट कपड़े एनी टाइम आपके पहनने की वजह से भी आपको जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, प्राइवेट पार्ट्स पे तो स्पेशली पसीना बहुत ही जल्दी आ जाता है जिसकी वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। अब बात करें कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट यानी वजाइना के एरिया को क्लीन करने के लिए, वहाँ से स्मेल ख़त्म करने के लिए, तो आप यहाँ पर एक बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बेबी पाउडर यानी कि आप जॉनसन्स कंपनी का भी ले सकते हैं, उसके अलावा भी आप किसी और ब्रांड का बेबी प्रोडक्ट ले, क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं होता, केमिकल फ्री होता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, आपकी जो वजाइना है ही नीड एंड ड्रायर, आपको कंफर्टेबल भी फील होगा, उसके अलावा जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस कोई भी इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि हर कोई इसे शेयर नहीं कर पाता, काफ़ी लड़कियों को झिझक होती है अपने फ्रेंड्स से ये चीज़ फेस की है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ना जाए, क्योंकि सीरियसली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हुई दोबारा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, फिर जब से मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट की सीरियसली गाइज मैं इतना ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, यहाँ तक कि आर्म्स की भी जो डार्कनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप इस पैक को ज़रूर लगाना, एंड आपको अगर इससे फ़ायदा मिले तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ टाइम बाद हमारे जब अच्छे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन जो भी क्वेरी हो आपको सॉल्व करेंगे हम। उसके अलावा मैं कुछ गिव अवेज वगैरह भी करूंगी तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या रखना चाहिए गिव अवे में। तो गाइस आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।